हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल एंड स्मार्ट वीडियो कोचिंग। स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आपको हम सिखा रहे हैं परसेंटेज परसेंट चैप्टर, और इस चैप्टर को अब हम आपको बहुत कम से कम टाइम के वीडियो में आपको पूरा चैप्टर खत्म करवाते हैं, वो देखें किस तरह से। बशर्ते कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम हो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करते रहिए या फिर कमेंट जरूर कीजिए। तो देखिए, परसेंट चैप्टर आपको सीखना है टोटल आपका। जो सबसे पहले तो हमारी मानसिकता इस तरह की होनी चाहिए कि हम पूरा मैथमेटिक्स को सीख जाए। तो परसेंट चैप्टर आपका पहला चैप्टर है, इसमें टोटल 32 यानी 32 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो सोचिए, अगर परसेंट चैप्टर आपको डेढ़ से दो घंटे में ख़त्म कर देते पूरा चैप्टर को, तो 32 चैप्टर लेकर हम आपको 50 से लेकर 55 घंटा में आपका पूरा मैथमेटिक्स हो जाएगी ख़त्म। तो आइए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, और आपको किस तरह से करनी है तैयारी आपको परसेंट चैप्टर की, तो वही देख लीजिए। तो किसी भी टॉपिक को हम तीन स्टेप में ख़त्म करते हैं, और पहला स्टेप बदलता है, दूसरा तीसरा स्टेप बिल्कुल सेम ही रहता है। तो पहला स्टेप में आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब कि परिचय परसेंट के बारे में। तो इसमें हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं, डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। तो परसेंट का परिभाषा क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंपेयर विथ 100। इसका परिभाषा हम लोग बस यही चीज़ पढ़ते हैं, कंपेयर विथ 100 यानी किसी संख्या का 100 के साथ तुलना करने को ही हम लोग परसेंटेज बोलते हैं। और बिल्कुल छोटी सी बात, मैंने आपको तीन वर्ड बताए कंपेयर विथ 100, आप इतना ही याद रखिए, किसी संख्या का 100 तक जो कंपेयर करते हैं वही परसेंट की परिभाषा होती है, उसी को परसेंट रूप में लिखा जाता है। उसका दूसरा जो है आपका फॉर्मूला यानी कि इसमें आपको जो फॉर्मूला यूज करना है वो क्या है, आपको परसेंट का ये आपका सिम्बॉल रहा, और इस परसेंट के सिंबल के जगह पे आपको 1/100 आपको सिंपली यूज करना है। परसेंट के सिंबल के जगह आपको सिर्फ और सिर्फ 1/100 यूज करना है, और आपको कोई परिभाषा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी एक या दो फॉर्मूला जो आपको जो प्रतिशत वृद्धि या फिर प्रतिशत कमी या निकालना पड़ता है, इसका फॉर्मूला आपको हम क्वेश्चन के अंदर में ही आपको बता देंगे। तो ये रहा आपका इसका परिभाषा फॉर्मूला। अब आपको कुछ टिप्स देते हैं, हम इसमें तीन टिप्स देते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल सी है। जैसे देखिए प्रतिशत चैप्टर में, तो टिप्स नंबर 1 ये है, आप अलग से एक नोट्स तैयार करते जाइए। यदि आपको आपके पास मेरा यदि नोट्स है तो उसमें देखिए मैंने वहाँ पे तीन टिप्स लिखा है। तो पहला टिप्स ये रहा आपका कि प्रतिशत इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है 1/100 प्रतिशत। प्रति मतलब उल्टा या बट्टा करना या फिर अपोजिट, तो प्रतिशत यानी 100 का उल्टा यानी 1/100। अगर हम बोले x प्रतिशत तो मतलब कि 1/100 या फिर 1/100। तो ये रहा आपका प्रतिशत, बस तुलना किया था 100 का और कुछ नहीं। तो टिप्स 1 में यह है कि ये कि आपको कोई भी हो, कुछ भी हो, दुनिया का कोई भी वस्तु हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती 100%। ये आपका टिप्स 1 है। टिप्स 2 है, ये सब चीज़ आपको यूज पड़ेगा क्वेश्चन में, और तभी हम सिर्फ और सिर्फ भाषा को पढ़ के 70% तक क्वेश्चन को हम बिल्कुल मुंहजवानी बना सकते हैं। दूसरा चीज़ है 10% ज़्यादा का मतलब होता है 110%, और 110% हो गया क्योंकि कोई भी चीज़ अपने आप में तो होती है 100%, 10% ज़्यादा बोले तो हो गया कितना, 110%। ये सिर्फ एग्जाम्पल है। यदि आपको बोला 20% ज़्यादा तो आपको हो गया 120%, 30% ज़्यादा का मतलब 130%, 50% ज़्यादा का मतलब 150%, और 200% ज़्यादा का मतलब कितना होगा, 100 पहले से है 200 में जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 300%। तो ये रहा आपका 10% ज़्यादा का मतलब क्या होता है, 110%। इसको सिर्फ आप याद रखिए और कुछ नहीं। तीसरा जो टिप्स है कि 10% कम का मतलब कितना होगा, तो 10% कम का मतलब होता है 90%। 10% कम का मतलब होता है 90%। इसी तरह से 20% कम का मतलब 80%, 25% कम का मतलब 75%। फाइनली हम लोग क्या करते हैं, जितना परसेंट आपको बोलता है कि कम है 100 में से उतना माइनस कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी हो, कुछ भी हो, अपने आप में होती है 100%, और जब मैंने बोला उसको 10% कम करना है तो 100 में से 10% कम कर लिए। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। अब आपको बताएं थोड़ा सा लैंग्वेज और कैलकुलेशन के बारे में। इसका जो दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका इसका लैंग्वेज। लैंग्वेज सिर्फ परसेंट का नहीं, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही भी बात का ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है,
और क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन कोई भी तीन या चार या लैंग्वेज में तीन या चार लाइन की होती है क्वेश्चन, तो इसमें क्वेश्चन में आपको कुछ डेटा प्रोवाइड किया जाता है और आपसे आंसर उसका पूछा जाता है। तो बस यही आपको समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। इसी को 100% जब आप एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा तो आपको लैंग्वेज पे भी पकड़ हो जाएगी, और जैसे जैसे आप चैप्टर में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी लैंग्वेज अच्छी होती जाएगी। तीसरी चीज़ होती है आपको कैलकुलेशन। तीसरी चीज़ आपका कैलकुलेशन, आप किस तरह से कैलकुलेशन करिएगा और कैलकुलेशन के बारे में बात करिए एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेशन में क्या सब करना पड़ता है, कैलकुलेशन मतलब कि कैलकुलेट करना है, गणना करना है, कैलकुलेटर होता है उस तरह की चीज़। जैसे कि आपको नॉर्मल सा काम करना, जैसे जोड़ घटाओ गुना और भाग करने का इसमें काम होता है, ठीक है। इसमें इसके अलावा एक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी काम होता है। आपके पास एक क्वेश्चन आई थी, क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ होगा, तो उस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो आप उसमें फॉर्मूला लगाते हैं या फिर उसका ट्रिक लगाते हैं, या फिर हम क्या आपको सिखाते हैं उस क्वेश्चन का लैंग्वेज यूज करके आपको क्या करना है, आपको उसको सिंपली क्या करना है, उसको एक इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब देखिए इक्वेशन क्या होती है, जैसे ए प्लस बी रहे और सी माइनस डी। अगर किसी संख्या या फिर संख्या समूह के बीच में ये जो इक्वेशन का सिंबल है ये आ जाती है तो इसको बोलते हैं इक्वेशन, या एक इक्वेशन तैयार हो गया। तो आपको फाइनली क्या करना है, क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उस इक्वेशन को सिंपली आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरह से आप इसको कर सकते हैं, इक्वेशन को देखिए कैसे आपको सॉल्व करना है। तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या सब चीज़ें होनी चाहिए, हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। इक्वेशन के अंदर में देखिए प्लस होती है माइनस होती है, बीच में बराबर होती है। जब प्लस वाली चीज़ें बराबर के उस पर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और माइनस वाली चीज़ें बराबर के इस पर आएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। उसी तरह डिवाइड एंड मल्टीप्लाई होती है, तो जब भाग इस पर आएगा तो गुना हो जाएगा और गुना होगा तो भाग हो जाएगा, और कुछ नहीं। अगर स्क्वायर है तो उस पर जाएगा तो हो जाएगा रूट, अगर रूट है तो इधर आएगा तो हो जाएगा स्क्वायर, बस यही होता है और कुछ नहीं होता है। उसके बाद फिर देखिए इक्वेशन में अब आप आसानी से कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको इक्वेशन अंदर प्लस माइनस तो सिंपली हो ही जाता है। देखिए अगर आपको p बट्टा क्यू और r बट्टा s दिया रहे, इसको देख के सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे। अगर ये आपस में गुना के रूप में है तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको भाग और गुना करना होता है, तो भाग देने का आपको, भाग देना मतलब कि कटाना होता है आपस में, भाग देने का आपके पास चार रास्ता होता है, और वो चार रास्ता देखिए क्या है, बराबर के आर पार में ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं, नीचे को नीचे से आप कटा सकते हैं, और एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं, और इसमें भी आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं। यानी आपको भाग देने का चार रास्ता मिलता है, और भाग का काम पहले करना चाहिए क्योंकि इससे इक्वेशन आसानी से सॉल्व होगी। अब इतना करने के बाद जो बच जाती है p बट्टा क्यू और r बट्टा s, इसको गुना करने का बस दो ही रास्ता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऊपर को बराबर के r पर में ऊपर को नीचे से नीचे को ऊपर से हम लोग क्रॉस करते हैं। अब भाग तो दीजिएगा, लेकिन अभी आपको भाग देना किस तरह से है, तो इसके लिए बस थोड़ा सा आप लोग विभाज्यता का नियम जान लीजिए। विभाज्यता का नियम बस कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दो से लेकर दस तक का जान लीजिए। दो से भाग लगने का नियम क्या है, इकाई के स्थान पे या तो कोई संख्या सम संख्या हो, या फिर सम संख्या होने के लिए इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए। जैसे कि 2, 8, 6, 9, 2, 7, 1, 0 या कोई इतनी बड़ी संख्या है। अब आप बताइए ये संख्या दो से भाग लगेगी या फिर नहीं लगेगी, इसका पता कैसे चलेगा। इसके लिए सिंपली क्या करना है, आपका इकाई का अंक जो है, अब आप बताइए इकाई का अंक को बायां से मतलब दाहिने साइड से गिना जाता है या फिर बायां साइड से, तो सही आंसर है आपका हमेशा दाहिने से ही गिना जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा जाए इस तरह से। तो आपका इकाई के स्थान पे यानी कि पहले स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई एक रहेगा तो वो संख्या दो से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पे जीरो है मतलब ये जो पूरी संख्या
ये दो से भाग लग जाएगी। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं तीन से भाग लगने का नियम क्या है। देखिए तीन से भाग लगने का नियम क्या है, इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन करते जाइएगा। तीन से भाग लगने का नियम क्या है, योगफल, योगफल तीन से विभाजित। देखिए योगफल तीन से भाग लगने का नियम क्या है कि योगफल आपका तीन से विभाजित होना चाहिए। जैसे देखिए योगफल मतलब कि ये सब सबको अलग अलग जोड़िए, दो प्लस आठ प्लस छः प्लस नौ प्लस दो प्लस सात प्लस एक प्लस जो भी हो, इसको जोड़ने के बाद जो आपका रिजल्ट मिलेगा, जैसे इसको जोड़ते हैं आठ दो दस छः सोलह सोलह और नौ पच्चीस दो सत्ताईस सत्ताईस और सात चौंतीस और एक पैंतीस प्लस जीरो यानी पैंतीस, तो आपका आप पैंतीस पैंतीस में, यानी इस पूरी संख्या को हम पैंतीस में कन्वर्ट कर लिए। अब बात ये कि आपको पैंतीस में तीन से भाग लगेगा, यस और नो, तो पैंतीस में तीन से भाग लगे नहीं लगेगी, इसका मतलब ये पूरी संख्या में तीन से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। ये रहा आपका तीन का नियम। चार का नियम आप देख लीजिए किस तरह से होगा, वो देखिए चार का नियम क्या है कि इकाई और दहाई, इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या, यानी कि देखिए यहाँ पे देखिए इकाई और दहाई के रूप में क्या आया, यहाँ पे दस है, वन जीरो दस, यानी कि इकाई और दहाई से मिलकर बनी संख्या क्या होती है, दस। दस में अगर चार से भाग लग जाएगा तो ये पूरी संख्या में चार से भाग लगेगा। तो देखिए यहाँ पे क्या, तो दस में चार से भाग नहीं लगेगा, इसका मतलब पूरी संख्या में चार से भाग नहीं लगेगा। पाँच का नियम क्या है, पाँच का नियम ये कहता है कि आपको इकाई के स्थान पे या तो जीरो हो या फिर पाँच हो, जीरो या फिर पाँच दोनों में से कोई एक भी हो तो भी वो चलेगा, वो पाँच से भाग लग जाएगी। यहाँ पे जीरो है मतलब ये संख्या पाँच से भाग लग जाएगी। तीन का नियम कहता है, सॉरी छः का नियम कहता है कि जो संख्या दो और तीन दोनों से भाग लग जाए वो संख्या छः से भाग लग जाएगी। सात का नियम थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए इसको याद मत रखती है, उसको डायरेक्टली कैलकुलेट करके देख लेंगे कि वो भाग लगता है या फिर नहीं। आठ का नियम क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा तीन लास्टिंग का तीन अंक से मिलकर बनी संख्या, अगर वो आठ से विभाजित हो जाती तो वो संख्या आठ से भाग लगेगी। नौ का नियम क्या है, जो नियम तीन का है वही नियम नौ का भी है, यानी योगफल नौ से विभाजित होनी चाहिए। और दस का नियम क्या है, जो नियम पाँच का है वही नियम दस का भी है, लेकिन पाँच में जीरो और पाँच, जीरो और पाँच होना चाहिए, लेकिन दस का नियम क्या है कि सिर्फ और सिर्फ इकाई के स्थान पर जीरो ही होना चाहिए। इकाई के स्थान पे जीरो ही होगा तब वो संख्या दस से भाग लगेगी, नहीं तो दूसरी कुछ रहेगी जीरो को छोड़ करके वो संख्या दस से भाग नहीं लगेगी। उसके बाद सिर्फ इतना ही जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं। आपको इक्वेशन सॉल्व करने के लिए एक टिप्स देते हैं, और वो टिप्स क्या है कि आपको जब कटाने का बारी आए तो आप इसको बड़ी से बड़ी संख्या से एक बार में इसको कटा सकते हैं। तो ये रहा आपका परसेंटेज चैप्टर का पूरा हुआ इंट्रोडक्शन। अब आपको हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को बनाना, और आपको परसेंटेज चैप्टर जो है ये आपका दो पार्ट में ख़त्म होगी, पार्ट वन और पार्ट बी पार्ट टू। पार्ट वन में आपको 43 क्वेश्चन करना है और पार्ट टू में आपको 81 क्वेश्चन करना है, और सबका टाइप अलग अलग होगा। इतना चीज करने के बाद इतना सिर्फ आपको ये वीडियो देखना है, और इतना के बाद आप बिल्कुल आसानी से पूरा परसेंटेज चैप्टर बना दीजिएगा। बस आप पेशेंस रखिए, क्वेश्चन बनाइए, हमारे नोट्स में से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप पूरा बिल्कुल ईजिली बना पाइएगा। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं, पार्ट ए का क्वेश्चन नंबर वन, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि व्हाट का आठ पूर्णांक एक बट्टा तीन प्रतिशत बराबर 150। ये आपका क्वेश्चन रहा। इस क्वेश्चन को देखिए, आपका क्वेश्चन है व्हाट का एट पूर्णांक एक बट्टा तीन प्रतिशत बराबर 150। इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे कीजिएगा सॉल्व। यह सबसे पहले आपको मैंने क्या सिखाया कि क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन को पहले आप इक्वेशन में कन्वर्ट कीजिए, इक्वेशन को आप आंसर में, ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन बनता है लगभग मैं आपको 95% क्वेश्चन को हम दो तरीका से बनाएंगे, एक होगा इक्वेशन टेक्नोलॉजी और दूसरी होगी नंबर लाइन टेक्नोलॉजी। इक्वेशन पे अगर आप नहीं समझ पाए तो नंबर लाइन पे आइए, नंबर लाइन पे नहीं समझ पाए तो इक्वेशन में जाइए। तो हम क्या करेंगे फाइनली, हमारा जैसे कोई भी क्वेश्चन एक पूछेगा, अगर आप मार्केट के तरीका से पढ़ाई करते हैं तो आप क्या ध्यान रखते हैं, क्वेश्चन आया तो हम सोचते हैं कि उसका हमको फॉर्मूला आ जाए। अगर हमको फॉर्मूला आ जाती है तो हम क्या सोचते हैं, चलो इस फॉर्मूला पर इसको बैठा देते हैं, उसको सॉल्व करके निकाल देते हैं।
या फिर हम सोचते हैं उसको ट्रिक पे लाएं, उस ट्रिक को सॉल्व कर दें, आंसर हमारा निकल जाएगा। लेकिन देखिए फार्मूला का ज़माना भी चला गया, ट्रिक का ज़माना भी चला गया, क्योंकि ये 20% ज़्यादा क्वेश्चन को बनाता ही नहीं है। तो अब एक नया टेक्नोलॉजी आई है जिसको कि मैंने लाया है, वो है नंबर लाइन एंड इक्वेशन। तो आपको फाइनली क्या करना है, क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना है लैंग्वेज के मदद से, क्वेश्चन को लैंग्वेज के मदद से इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उस इक्वेशन को माइंडली कैलकुलेट करना है। तो आप अगर हमारे साथ बने रहते हैं तो आपको बिल्कुल माइंडली कैलकुलेट करना हम आपको सिखा देंगे। तो देखिए इसको हम सिंपली क्या करते हैं, यह एक इक्वेशन ग्रुप में तो है, यहाँ पे बराबर का सिंबल है, मतलब यह एक इक्वेशन ग्रुप में है। लेकिन आपको क्या करना है कि इसको हमको एक सिंपल इक्वेशन बनाना है। तो सबसे पहले ये देखिए वाट का जो सिंबल है इसके जगह हम लोग रखेंगे एक्स, ठीक है, काम मतलब होता है गुना करना और इसको आप सॉल्व करना सीखिए। जैसे देखिए इसको पूरा डिटेल बताते हैं, 8 पूर्णांक 1/3 है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 8 + 1/3, इसको सॉल्व करते हैं 24 + 1 = 25/3। अगर हम ऐसा करते जाएं तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, तो हमको क्या करना है, सिंपली हमको जो इधर इस साइड में बायां साइड में इसको नीचे से गुना करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसको नीचे से गुना करना है और ऊपर वाले को जोड़ देना है, और नीचे में जितना रहेगा बट्टा में उतना ही को हमको लिखना है, ठीक है। तो इतना करने के बाद हमको सिंपली एक रिजल्ट में जैसे 8 + 3 = 24 = 25/3 कितना निकला हमको, 25/3 हमको निकल गया। तो अब देखिए 25/3 ये चलिए हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, ये जो परसेंट का सिंबल है इसके जगह पे सिंपली हमको 1/1 सा यूज करना है, और कुछ हमको फार्मूला यूज नहीं करना है परसेंट चैप्टर में। आपको जो हम 3 टिप्स दिए हैं उस टिप्स को बस ध्यान रखना है। तो अब आप देखिए इस परसेंट का जो सिंबल है इसको हमको बस लिखना है, जैसे परसेंट का मतलब होता है 1/100 × 1/100 यहाँ पे कर लिए, उसका बराबर और 150, ठीक है। इस इक्वेशन को एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट किए और इस इक्वेशन को आपको बनाना है। तो कैसे बनेगा, तो देखिए कटाने का अलग अलग, जैसे कि ये जब कोई संख्या स्वतंत्र रूप से लिखी रहे तो इसके बट्टा में एक छुपी रहती है और लेफ्ट साइड में एक प्लस लेफ्ट साइड में आप इसमें जीरो जितना मन उतना डाल सकते हैं, या फिर आप इसके लेफ्ट साइड में आप इसको एक से गुना भी कर सकते हैं तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इसके लेफ्ट साइड में प्लस का साइन छुपा रहता है। ये सब हिडन सीक्रेट है किसी नंबर के साथ में। तो देखिए तो अगर आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हैं सीख रहे हैं तो आपको यहाँ पे बटन वन अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। अब आपको लग रहा हो कि जितना भी है इसमें सब बट्टा में है तो हमको इसको गुना करना है, देख कैसे। तो आपको क्या करना चाहिए कि ऊपर को ऊपर से कटा सकते हैं, एक ही साइड में आपस में ऊपर नीचे कटा सकते हैं। तो क्या करते हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या से हमको कटाना चाहिए ताकि हमको कम से कम समय लगे। तो 25 को हम 100 में भी कटा सकते हैं और 25 को हम 150 में भी कटा सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको कटाना चाहिएगा। तो आपको जो आसान लगे उसको कटा सकते हैं। तो फिलहाल में 25 को 150 से कटाने के बजाय हमको 25 को 100 से कटाने का मतलब कि आसान लग रहा है, तो हम इसी को कटाते हैं 25 × 25 और 25 × 100। आप इसको अगर आपको 25 का पहाड़ा नहीं आता है तो आपको इसको 5 × 25 = 20 × 100 फिर 5 को घटा करके 4 ला सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आप अगर 25 का गुणज में कोई है तो इसको आप 25 के गुणज में ही याद करने की कोशिश कीजिए। तो 25 × 25 = 100। अब आ गया इतना, तो अब एक्स बराबर मैंने आपको क्या बताया, जो चीज़ भाग में होगी भाग में बराबर के इस साइड में भाग में है और अगर वो बराबर के उस पार जाएगी तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी क्या, गुना के रूप में। यहाँ देखिए 3 और 4 भाग के रूप में है, उधर जाएगी क्या, गुना के रूप में हो जाएगी। उधर जितना रहेगा उतना पहले लिख लीजिए और इसको 2 गुना कर दीजिए, 3 × 4। ये 3 और 4 इधर देखिए भाग के रूप में, उधर जाएगा तो गुना के रूप में हो गया। अब इसका वैल्यू आप लोग लिख लीजिए, तो 150 × 3 × 4 तो 4 × 3 = 12 को इतना से गुणा कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 180 यानी कि 1800 आपका आंसर, ठीक है। काफ़ी मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया, जिस स्टूडेंट को कुछ भी नहीं आता होगा वो भी इस क्वेश्चन को सीख गया होगा, अगर नहीं सीखे तो इसको रिपीट करके देख सकते हैं। आइए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अगले क्वेश्चन क्या कहता है,
फॉट का 16.3% बराबर 150 हो। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, तो सिंपली क्या करते हैं, पहले इसको एक सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे वॉट की जगह पे हम लोग एक्स लिख सकते हैं, का मतलब होता है गुना करना, और 16.3 को मतलब बट्टा के रूप में लिखेंगे, यानी भिन्न के रूप में, फ्रैक्शन के रूप में, 16 × 48 = 50/3 50/3। यहाँ पे परसेंट का जो सिंबल है इसके जगह पर क्या लिखे, 1/100 उसका बराबर 150। अब आप यहाँ पे क्या देखें, आपके पास एक सिंपल इक्वेशन तैयार हो गई है, आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, तो इस 50 को 150 के साथ भी कटा सकते हैं और इस 50 को इस 100 के साथ भी कटा सकते हैं। तो जिससे आपको आसानी मिले कटाने का उससे आप कटा सकते हैं। तो 50 × 50 और 50 × 100 हम यहाँ पे कटाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 जो है इस इक्वेशन में बट्टा के रूप में यानी भाग के रूप में, जब इस 3 और 2 को बराबर के उस पार भेजेंगे तो ये भाग के रूप में है, तो भाग हो जाएगी क्या, गुना के रूप में। तो x बराबर 150 गुना 3 और गुना 2, 3 × 6 = 90, यानी कि 900 हो गया आपका आंसर। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में, यहाँ पे आपको क्वेश्चन को मैं क्या दिया हुआ है, 25% बराबर है, 25% बराबर है किसके, आपके पास चार ऑप्शन भी है। तो आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन है, 25% बराबर है, तो 25% बराबर है किसके। मैंने आपको टिप्स के रूप में एक चीज़ बताया है कि आप आंसर को हमेशा एक्स मानिए, ये बात हमारे नोट्स में भी लिखा हुआ, आपके पास जो बुक होगा उसमें भी लिखा हुआ कि आंसर को हमेशा आपको एक्स मानना है। तो देखिए 25% बराबर है किसके, इसका कुछ ना कुछ तो आंसर होगा ना, तो उस आंसर को मानते हैं एक्स। तो हम यार इसको क्या सोचते हैं, 25% जो है वो एक्स के बराबर है, ये 25% जो है वो एक्स के बराबर है। तो ये जो 25% है, और है का मतलब होता है बराबर का सिंबल, है का मतलब समझिए बराबर का सिंबल है, 25% है एक्स, ठीक है, 25% जो है वो एक्स के बराबर है, यही हमको पूछ रहा है। तो हमने क्या किया सिंपली कि किसी भी क्वेश्चन को हमको बस एक इक्वेशन को क्रिएट करना है, क्वेश्चन को इक्वेशन में बदलना है और कुछ नहीं करना हमको। तो 25% बराबर एक्स कर लिए। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 25% ये परसेंट के सिंबल की जगह पे 1/100 डालिए और बराबर में एक्स। तो अब देखिए 25 × 25 और 25 × 100, तो एक्स बराबर हो गया कितना, 1/4, जिसको अगर पॉइंट में बदलिएगा, जैसे कि ऑप्शन में हमको दिया हो पॉइंट में, तो ये आएगा 0.25, ठीक है 0.25। अब हम बताते हैं वैसे स्टूडेंट के, जिसको कि बट्टा को यानी भिन्न संख्या को पॉइंट में बदलने नहीं आता है, वैसे स्टूडेंट के लिए हम आपको एक चीज़ सिखा रहे हैं कि कैसे आप पॉइंट में बदलते हैं। वैसे भाग करना तो सभी को आता ही होगा, तो अब आपको बता रहे हैं इसको पॉइंट में किस तरह से हम लोग को बदलना है। जैसे देखिए एक है और इसको हमको 4 से भाग देना था, हमको क्या करते हैं, जब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, जब इसमें भाग लगाए और भाग नहीं लगाए एक बार में, तो क्या करते हैं यहाँ पे 0 लिख दीजिए, 0 लिख दिए, उसके बाद इसको 10 से गुना कर दीजिए। 10 से गुना करने का मतलब क्या हुआ, जैसे 2 को हम 10 से गुना करते, 2 × 10 = 20, तो क्या हुआ, 2 के ऊपर सिंपली हम एक 0 डाल दिए। तो यहाँ पे हम एक 0 डाल दिए और इस 0 के बदला में हम यहाँ पे एक पॉइंट यानी कि दशमलव डाल दिए, इस दशमलव का मतलब होता है 10, तो दशमलव यहाँ पे डाल दिए। अब ये क्या हो गई, ये संख्या हो गई 10। अब हम 4 से इसमें भाग दे सकते हैं, तो 4 × 8 इतना मिला गया, अब हो गया 2। तो अब यहाँ पे 2 आ चुका है, यहाँ पे 2 आ चुका है, नीचे हमको बस 2 या 3 मतलब कि यहाँ पे 2 और 3 वर्ड तक हम लोग करेंगे कि 2 और 3 अंक तक हम लोग करेंगे, इसको भाग देंगे, देखें कटता है कि नहीं कटता है। वैसे देखिए 4, 2, 5 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं तो वो संख्या बिल्कुल कट जाएगी। तो अब यहाँ पे आ गया 2, फिर से हम यहाँ पे एक 0 अपना मन से डालेंगे और इसमें भाग लगाएंगे, 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20, अब ये पूरा कट गई है और आपका रिजल्ट क्या निकल गया है, 0.25। तो जो स्टूडेंट को नहीं आता था या फिर बिल्कुल नहीं कभी पढ़ाई की है, तो उसके लिए था ये चीज़। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आए तो आपको हम पर्सनली व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए अब आप इस क्वेश्चन में 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। इससे पहले आपको मैं एक बात क्लियर कर दूं, जैसे कि आपको बताया जाएगा और सब बुक में कि आपको भिन्न को यानी कि बट्टा को प्रतिशत के रूप में लिखने के लिए 100 से गुना कीजिए, या फिर कोई नॉर्मल अंक पूर्णांक को बट्टा में बदलने के लिए 100 से भाग दीजिए
आपको ये सब तरह का टिप्स याद रखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी जो क्वेश्चन है उसका आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मान लें उसका आंसर एक्स है। तो हम क्या मानते हैं यहाँ पे 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो हम मान लेते हैं क्या 12.5% को एक्स के रूप में लिखा जा सकता है, यानी कि 12.5% बराबर एक्स, ठीक है। और हम इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 24 से 25 25/2% के सिंबल का मतलब 1/100 बराबर एक्स। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या निकलेगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100 यानी 4 × 8, तो एक्स बराबर 1/8। देखिए हमको किसी भी तरह के टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करना नहीं पड़ा, बस हम लोग रूल के अनुसार ही चले और बिल्कुल बन गया क्वेश्चन, यानी कि 12.5% को किस भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है, तो 12.5% बराबर एक्स, 12.5% को इस तरह से हम लोग बना दिए। इस क्वेश्चन में 37.5% के बराबर कौन से भिन्न है, मैंने आपको क्या बोला, एक कोई भी लैंग्वेज के रूप में एक क्वेश्चन रहे, क्वेश्चन को आपको हमेशा इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, तो 37.5% बराबर कौन सा भिन्न, तो हम मान लेते हैं उस भिन्न का वैल्यू है एक्स, तो 37.5% जो है वो एक्स के बराबर है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए 37.5% बराबर एक्स, हम यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 37.5% को क्या लिख सकते हैं 75/2, और इस परसेंट के सिंबल का मतलब क्या होता है 1/100 करना और बराबर x, ठीक है। अब तो बिल्कुल सिंपल निकल जाएगी, तो 75 और 100 में भाग देते हैं तो 5 से भी कटेगा ये और 25 से भी कटेगा, तो आप हमेशा कोशिश कीजिए बड़ी संख्या से कटाने का, तो 25 दिया 75 और 25 चौका 100 4 × 8 3/8, तो x बराबर क्या आ गई आपकी 3/8। तो इस तरह से आप लोग बनाना सीखिए कि आपको क्या करना, सिंपली क्वेश्चन के लैंग्वेज का यूज करके एक इक्वेशन क्रिएट कीजिए और इस इक्वेशन को बनाइए आगे तक। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, 3/4 को प्रतिशत के रूप में कैसे अभिव्यक्त किया जाता है, यानी आपको 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखना, किसी भिन्न संख्या को प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिए आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन उस आंसर आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी। तो हम आपको क्या बोले हैं कि आपको एक क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना आपको हमेशा, और आंसर को आप एक्स मान लीजिए, तो मान लेते हैं उसका आंसर एक्स है, तो 3/4 को किस प्रतिशत के रूप में कैसे अव्यक्त किया है, मान लें कि 3/4 जो है वो एक्स परसेंट के बराबर है, तो 3/4 बराबर एक्स प्रतिशत, ठीक है। हमने 3/4 को एक्स प्रतिशत रूप में अभिव्यक्त कर दिया, अब यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, 3/4 बराबर एक्स, इस परसेंट के सिंबल का मतलब 1/100 करना, तो देखिए कटा सकते हैं हम लोग 4 को और 100 कटा सकते हैं, 4 × 4 और 25 चौका 100, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, एक्स बराबर 25 यहाँ पे भाग में है इधर आएगा तो गुणा के रूप में हो जाएगी, तो 25 दिया 75% आपका आ गया आंसर, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, भिन्न 3/8 कितने प्रतिशत दर बताती है, 3/8 कितना प्रतिशत बराबर है, तो हम मान लेते हैं क्या 3/8 जो है वो एक्स प्रतिशत के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे परसेंट के सिंबल जगह पे 1/100 यूज करेंगे, तो 3/8 बराबर एक्स गुना 1/100, इसको बस आप सॉल्व कीजिए, तो 4 से कटेगा 4 × 8 और 4 से 25 बार में, अब ये नहीं कटेगा, जाएगा कितना पूर्णांक में, तो x बराबर 25 दिया 75 75/2, इसको पूर्णांक बदलिएगा तो क्या होगा 37.1/2। अब मैं आपको बताऊं ऐसे स्टूडेंट को जिसको कि बट्टा वाली संख्या को पूर्णांक में बदलना नहीं आता है, उसको मैं सिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, 75/2 था, तो क्या करते हैं 75 में सबसे पहले भाग देते हैं, 75 में भाग देते कितना से 2 से, तो कितना बार में लगेगा 2 × 6 × 2 = 14, इसको पॉइंट तक नहीं कटाना, पॉइंट तक नहीं कटाना, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको क्या करते हैं 75/2 है ना 2, तो यानी कि 37 जो भागफल है जो इधर है उसको भेज देंगे इधर, तो 37 पूर्णांक और 1/2 इस तरह से, तो भागफल इंटू में शेषफल 1/2 भाजक,
इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको सीखना है वो है 34 का 15% क्या होगा। तो आपका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से निकलेगा, आपको बस इसका एक सिंपल इक्वेशन बना लीजिए 34 का। तो सबसे पहले लिखे 34 का मतलब होता है गुना करना, 15% 15 और प्रतिशत मतलब क्या, जैसे कि 15 को हम लिखते थे 15 गुना 1/100, लेकिन अब आप क्या लिखिए, अब इसी को आप 15/100 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या, जैसे कि कहीं पर x परसेंट हो तो इसको आप x/100 लिखिए, तो थोड़ा सा बस वक्त बचेगा, इस तरह से आप लिखा जा सकता है। तो क्या लिखते हैं हम लोग अब 15/100, ठीक है। जब कहीं पर लिखने में दिक्कत हो तब हम लोग 1/100 गुना के रूप में लिखेंगे। तो 15/100 बराबर व्हाट, बराबर क्या होगा, इसी को बस हमको सॉल्व करना है। तो देखिए सिंपली क्या, पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो क्या करते हैं 15 को 34 से गुना करने के बाद 100 से हम उसमें भाग दे देते, क्या होगा 15 × 4 = 60। आप लोग 15 को 34 से गुना करने क्या कीजिए, 15 का पहाड़ा ही पढ़िए, बस 15 का टेबल पढ़िए, 15 × 4 = 60 का 0 हासिल 6, 15 × 3 = 45 और 6 = 51, 510/100। यहाँ पे डबल जीरो कट जाएगी तो यहाँ पे 1 और 2 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगी, यानी आपका 5.10 आपका हो गया आंसर, ठीक है। तो जो स्टूडेंट बिल्कुल इजीली सीख, मतलब कि जो बिल्कुल स्टार्टिंग कर रहे हैं तो इस तरह बनाइए, और आप बिल्कुल रिवाइज इसका जरूर जरूर करते रहिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने कुछ इस तरह से रहा, 450 का 30% क्या होगा। तो 450 × 30/100 इसका वैल्यू क्या होगा। सिंपली दो जीरो से दो जीरो आप कटा दीजिए, 3 को इससे गुना कर दिए, तो 5 × 3 = 15 और 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 13, 135 हो गया आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में 348 का मतलब गुना 66.2/3 को आप बदलिए बट्टा के रूप में, 66 को 3 से गुना कीजिएगा तो आएगा 198, और 198 में जब 2 जोड़ देते हैं तो आएगा 200, और बट्टा में जितना रहेगा उतना आप लिख लिए 3, और इस परसेंट का सिंबल का मतलब होता है 1/100, इसी का आपको सॉल्व करना है। तो अब हम आपको बता रहे हैं जो स्टूडेंट को पूर्णांक को बट्टा में बदलने नहीं आता है उसके लिए हम सिखा रहे हैं। देखिए जैसे 66.2/3 है ना, क्या करना आपको, 66 को 3 से गुना करना है तो कितना आएगा 198 आएगा, और ऊपर में जितना रहेगा उसको इसमें जोड़ देना है, तो ये हो गया 200, और बट्टा में जितना रहेगा उतना ही यहाँ पे लिखना है बट्टा में, तो 200/3 हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम कटाते हैं कैसे, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी, 3 से ये कटेगा, हाँ बिल्कुल कटेगा, 3 से 3 × 3 = 3, 3 × 3 = 18, यानी 116। अब 116 को 2 से गुना करना है, यानी कि 232 हो जाएगी आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 418 का 5.72% क्या होगा। यहाँ पर आपको प्रतिशत दशमलव के रूप में पूछ रहा है, तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन बनाए इसका, 418 × 5.72% बराबर क्या होगा। तो 5.72 इसको पहले आप कर लीजिए, यानी कि इसको दशमलव को हटा लीजिए, तो हटाएंगे तो क्या होगा, बट्टा कर लेने 100, और ये दशमलव यहाँ से हट जाएगी। चलिए हम इसको हटा लिए, अब गुना 1/100, ठीक है। तो अब इसका तरीका क्या रहा है इसको बनाने का, यानी 418 को आपको 572 में गुना करके एक, यानी 10,000 से आपको भाग देना है, ये करना है आपको। लेकिन आपको ये देखिए किस तरह से होगा, आपको ये कटा भी नहीं सकते, पूरा पूरा कटेगा भी नहीं, तो आपको 418 को 572 में डायरेक्टली आपको गुना करना ही पड़ेगा। तो गुना करने का आसान सा एक तरीका मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए 418 को 572 में डायरेक्टली गुना भी कर सकते हैं, लेकिन एक तरीका ये है कि 418 को आप क्या लिखे, 400+18 लिख लीजिए, क्या लिखे, 400+18 और गुना 572, ठीक है, और बट्टा में 10,000, ठीक है।
ऐसे आप लिख सकते हैं बिल्कुल। 418 को हम क्या लिखे, 400 प्लस 18। अब आप 572 को इसमें गुना कीजिए, इसमें गुना कीजिए और दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए कितना होता है। 400 पहले गुना कीजिए, 4 गुना 8 और 7 चौक 28, 5 चौक 20 और 2 22, 2288 और 20 डाल दिए अब प्लस। फिर 572 को 18 में गुना कीजिए, तो 18 से डायरेक्ट गुना कीजिए, 18 गुना 36 का 6 हासिल 3, 18 सतह 126 और 3 129 हासिल 12, 18 95 और 12 102, इतना आ गया बट्टा में 10,000। अब दोनों को जोड़ दीजिए, क्या आएगा 96 और 8 2 10 और फिर आएगा 80 819, फिर आएगा आपको 213 और इधर 2 बट्टा में 10,000। अब देखिए इस बट्टा को आपको बदलना दशमलव में, तो क्या कीजिएगा, इस 4 जीरो को हटाने के बदले में यहाँ पे 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ पे आप दशमलव डाल सकते हैं, जो कितना होगा 23.9096। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहा, 35 का 60% 400 का कितना प्रतिशत होगा, 35 का 60% यानी कि 35 गुना 60 बट्टा 100, 35 का 60% जो है वो 400 का कितना परसेंट है, आपको सिंपली लैंग्वेज को इक्वेशन में कन्वर्ट करना। तो 35 का 60% 400 कितना परसेंट है, तो बराबर 400 का एक्स प्रतिशत, आंसर हमेशा आप एक्स मान लीजिए, तो 35 का 60% जो होगा वो 400 का एक्स प्रतिशत के बराबर होगा। तो अब मैंने आपको कटाना है, तो नीचे वाले 100 को इधर वाले 100 से कटा सकते हैं, इस जीरो से इस जीरो को भी कटा सकते हैं, फिर ये 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 8 40, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 3 6 और 2 6 8, अब ये किसी से नहीं कटेगा, तो क्या करना है एक्स बराबर 21/4, आपका बट्टा में आंसर आएगा 21/4। इसी को अगर पूर्णांक करना चाहे तो 4 5 20, 1 21/4, अगर इसी को दशमलव में बदलना चाहे तो क्या आएगा 4 5 20, 4 2 8 और 4 5 20, इतना आपको जिस भी ऑप्शन में आपका आंसर मिल रहे उस तरह का ऑप्शन के अनुसार आप आंसर निकालना होगा। बस मैंने क्या किया, बस आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से यहाँ पे आप पार्ट वन में सीखेंगे क्या कि आपका मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन आपको किस तरह से करना है, और उसके बाद जब आप कैलकुलेशन करना सीख जाएगा तो आपका लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा वो सब बिल्कुल ईजिली आप बना सकते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए 468 का 23% कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, 468 गुना 23/100 कर लीजिए। जब ये देखिए पूरा पूरा नहीं कटेगा तो 100 को भी ये 2 से नहीं कटाइए क्योंकि बाद में भाग देने में दिक्कत होगा, तो हम क्या करते हैं 468 को 23 से गुना कर लेते हैं। तो सिंपली आप 23 को 468 से गुना कर सकते हैं, यानी कि 468 को 23 यानी कि 23 से गुना करके 100 से इसमें भाग दे सकते हैं, लेकिन हम क्या करें यहाँ पे 23 से गुना नहीं करेंगे, यहाँ पे इस 23 को इस 23 को 20 प्लस 3 भी तो लिखा जा सकता है ना, इस 23 को, तो हम ऐसा ही करेंगे 20 प्लस 3 लिखेंगे ताकि माइंडली यहीं पे कैलकुलेशन हो जाए। तो देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, तो 468 गुना 23 करते हैं तो ऐसे लिखेंगे 468 और 23 20 और प्लस 3 और बट्टा में 100। ठीक है, अब इसको देखते हैं कितना होता है, इसको 20 से गुना कर ही सकते हैं, यहाँ पे 0 डाल दीजिए और यहाँ पे 2 से 2 8 16, 2 6 12 1 13 और 2 4 8, 4 2 8 और 1 9, इतना आया अब प्लस, फिर इस पूरा को 3 से गुना कीजिए तो 8 3 24, 8 3 24 और 6 3 18, 18 2 20 और 3 4 12 और 2 14, 1408 बट्टा में 100। फिर देखिए इसको, तो इसको जोड़ दीजिए 4 0 4 और 0 6 6, फिर 4 3 7 और 9 और 1 10, इतना बट्टा में 100। अब देखिए आपको ये इसको आपको दशमलव में बदलना होगा, तो क्या करते हैं इस 2 जीरो को कटा देते हैं और इधर से 1 और 2 अंक गिन करके यहाँ पे डाल देते हैं दशमलव, तो आपका आंसर कितना आएगा 107.64। ठीक है,
आप ऐसा कीजिए आपका कैलकुलेशन बिल्कुल ईजिली बन जाएगी। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहा, 500 का 20% का 15% का 10% कितना होगा। आप 3-4% के नंबर को देख करके घबराइएगा नहीं, बस आप सिंपली इसको लिखते जाना। देखिए सबसे पहले क्या, 500 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100 गुना 15% मतलब 15/100 गुना 10% मतलब 10/100। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू कितना होगा ये आपको फाइंड करना है, निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जीरो को गिन करके जीरो कटा देते हैं। देखिए इस दो जीरो से इस जीरो इसको कटा सकते हैं, इस दो जीरो को इस दो जीरो से कटा सकते हैं। अब जो बच गया उसको आप कटाइए। देखिए यहाँ 5 है ना, यहाँ पे 100 है, तो 5 एकम 5 और यहाँ पे 20 पंचे 100। फिर अब कटाइए 2 से, 2 एकम 2 और 2 दहें 20। अब फिर ये दोनों कटेगा 5 से, तो 5 3 15 और 5 2 10। तो फाइनली आपको क्या मिला, 3/2 मिला। अगर इसको हम दशमलव में रखें तो बराबर 1.5 आएगी आपका आंसर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा था और आसानी से ही बन गया, बस आपको देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से रहा, 2000 का 5% का 5% क्या होगा। तो देखिए 2000 लिखिए गुना 5/100 और फिर गुना 5/100, इसी का आपको बस सॉल्व करनी है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो और कटा सकते हैं, इस 2 एकम 2 और 2 पचे 10, इस 5 से इस 5 को भी कटा सकते हैं, बराबर 5, यही आपका आंसर होगा। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 1500 का 8% + 50 = 500 क्या होगा। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1500 का मतलब गुना वाट मतलब एक्स प्रतिशत प्लस 50 = 500। इसको हम बस आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं, ये 50 इधर प्लस में है, ये 50 को बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगी, ये 50 इधर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि 500 में से 50 इधर माइनस हो क्या बन जाएगी, ये 450 बन जाएगी। और यहाँ पे देखिए इसको कटा सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो इधर क्या बच गया 15x। अब बराबर इधर जो रहेगा उतना लिख दीजिए, देखिए 500 इधर लिख दिए और ये 50 उधर जाकर माइनस हो जाएगी, क्योंकि इसका प्लस इधर इधर प्लस में है, उधर हो गई माइनस में। तो 15x बराबर 500 में से 50 माइनस किया कितना आएगा, 450 आएगा और 15 3 45 30, यानी x बराबर 30 आएगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, 96 का 8% 96 × 8/100 बराबर एक्स का 1/25, तो एक्स गुना 1/25 दिया, तो बस आपको 1/25 सिंपल लिख लेना है। इसको आप आपस में कटा भी सकते हैं। तो देखिए कटाने का आप लोग को कौन सा तरीका बताएं कि आप बराबर के आर पर भी कटा सकते, जो आपको इजीली कट जाए उसको आप कटा दीजिए। तो यहाँ पे इस 25 को हम इस 100 के साथ कटाएंगे, क्योंकि दोनों में नीचे में है, तो 25 एकम 25 और 25 चौका 100, 4 एकम 4 4 2 8, अब कुछ नहीं कटेगा। तो x बराबर एक ये 96 को 2 से गुना कीजिए तो 192 आ जाएगा, जो कि होगा आपका आंसर। इस क्वेश्चन में देखिए आपको सॉल्व करना है, देखिए कैसे इजली इसका करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले 450 × 27/100 हम यहाँ पे लिख लेंगे, माइनस 375 गुना वाट की जगह पे x डालिए, परसेंट मतलब बट्टा 100 बराबर 76.5 है ना, तो यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए बट्टा में आप यहाँ पे 10 डाल दीजिए। ठीक है, हमने वहाँ पे पॉइंट हटा के 10 डाल दिया है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो ये सब को तो आपस में तो कटा सकते हैं, लेकिन माइनस से आर पर लिमिट क्रॉस नहीं करेंगे, लेकिन आपस में ये कट सकता है। 0 से 0 कटा दिए, 5 से कटेगा, तो 5 2 10 9 5 45। ठीक है, अब देखिए इस ये भी कटेगा, तो सबसे पहले ये 25 से कटा सकते हैं या फिर 5 से कटाएगा, तो 5 से कटेगा तो 5 से 20 पंचे 100, 5 से कटेगा तो 5 7 35, 5 5 25, फिर ये कटेगा 5 से, 5 चौका 20 और 5 से 15 5 75, यहाँ पे आपका 15 है, 15/4। ये भी कटेगा 5 से, 5 2 10 और 5 से 15 5 75, 5 3 15।
ठीक है 153 आ रहा है उधर, तो अब आप देख लीजिए 9 को इससे गुना कीजिए 27 में, तो 9 7 63 और 9 2 18 18 और 6 18 6 24 243 बट्टा में 2 माइनस 15x बट्टा 4 बराबर 153 बट्टा में 2। अब क्या करते हैं, x वाले को इस तरफ रखते हैं, बिना x वाले को उधर भेज देते हैं, तो क्या आएगा 15x बट्टा 2 बराबर 153 बट्टा 2 माइनस 243 बट्टा 2 243 बट्टा 2। तो अब क्या होगा, ये कितना आएगा 153 में से 243 माइनस होगा तो क्या आएगा माइनस 90 बट्टा 2 आ जाएगा, कितना आएगा माइनस 90 बट्टा 2। तो अब देखिए सॉरी यहाँ पे देखिए 15 बट्टा 4 है ना, 15 बट्टा 4 लिखिए यहाँ पे, तो अब देखिए फाइनली आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे माइनस 15 बट्टा 15x बट्टा 4 बराबर माइनस 90 बट्टा 2। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगी, 15 एकम 15 और 15 6 90, फिर देखिए 2 एकम 2 और 2 2 4, तो x बराबर 6 को 2 से गुना कीजिएगा तो 12। ठीक है, बन गई, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलिएगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली बन जाएगी। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता है, 50 का 860% प्लस 860 का 50% क्या होगा, तो बिल्कुल सिंपली लिख दीजिए 50 गुना 860 बट्टा 100 प्लस 860 गुना 50 बट्टा 100, दो जीरो कटा दीजिए, यहाँ भी दो जीरो कट जाएंगे, तो अब कितना होगा इसका आंसर, तो 5 6 30 और 8 5 40 और 3 43, अब प्लस इतना ही वैल्यू इसका भी आ जाएगा 430, तो आपको 860 यहाँ पे आपका हो गया आंसर। हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 860 का 50 का 860% या फिर 860 का 50%, यानी कि 860 का 100% और कोई भी चीज़ तो 100% होती ही है, तो 860 का बिल्कुल 860 आंसर हम बिल्कुल मुझवानी भी बना सकते थे, लेकिन कैलकुलेट करना है तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट इसको कर सकते थे। आइए देखिए इस क्वेश्चन क्या होगा आंसर, 400 का 4% 400 × 4/100 माइनस 800 × 2/100, दो जीरो से दो जीरो कट जाएगी 400 का 16 माइनस 8 × 2 = 16, 16 में से 16 घटेगा तो क्या बचेगी 0 आपका आंसर। देखिए इस क्वेश्चन को, अब धीरे धीरे हम लोग लैंग्वेज की तरफ जा रहे हैं, क्या कहता है यहाँ पे 90 का कितना प्रतिशत, 240 होगा, तो क्या मान लिए 90 का x प्रतिशत, 90 का मतलब 90 गुना x प्रतिशत मतलब 100, 90 का x प्रतिशत बराबर 240 होगा। ठीक है, 90 का x परसेंट बराबर 240 होगा, 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा, इसका इक्वेशन ये बना, यानी आपको क्वेश्चन को इक्वेशन में कन्वर्ट करना हमेशा। तो अब देखिए इसको कैसे बनेगा, एक जीरो से तो एक जीरो कटा दिए, अब ये 3 और 9 ये भी आपस में कटेगा, तो 3 3 9 और 3 से 80 बार में कटेगा, अब कोई कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो x बराबर 80 को ये 10 इधर गुना होगा तो 800 अब बट्टा में 3। ठीक है, अब इसको निकालिए, इसका आंसर किस में दे रहा है, तो बट्टा में तो आपका आंसर इतना होगा, यदि इसको हम पूर्णांक में बदलते तो क्या होगा आंसर, तो 3 2 6 3 6 18 3 6 18 2/3, ये रहा आपका आंसर पूर्णांक के रूप में। इसका आप दशमलव भी निकाल सकते हैं, तो इसका दशमलव में यदि निकाले तो 266.67 होगा आपका आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संख्या 35 संख्या 75 का कितना परसेंट होगा, तो संख्या 35 जो है मतलब बराबर का सिंबल डाल सकते हैं, संख्या 35 संख्या 75 का, संख्या 75 का मतलब गुना कितना परसेंट होगा, ये होगा x परसेंट,
संख्या 35 संख्या 75 का कितना परसेंट, तो संख्या 35 संख्या 75 का x परसेंट के बराबर है। इसमें से आप लोग x का वैल्यू निकाल दीजिए। तो क्या कर सकते हैं, इसको कटा सकते हैं आप लोग, 5 से भी कटा सकते हैं, 25 से भी कटा सकते हैं, लेकिन हम कटाएंगे इसको 25 से। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100। अब कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो x बराबर 4 को इससे गुना किए, 35 चौका कितना होगा 140, अब बट्टा में 3 से गुना, इसमें भाग दीजिए। एक तो आपका आंसर बट्टा में इतना होगा, पूर्णांक में आपका आंसर होगा 3 चौक 12 3 चौक 18, 2/3। अगर इसको दशमलव निकाले तो 4667 इतना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 18 ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। इसके लिए आप एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पे यूनिट पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखें ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे देखें किलोग्राम लिखा हुआ है। ग्राम और किलोग्राम यहाँ पे देखिए यूनिट, आपको जब भी क्वेश्चन बनाइए, आप मैथ का हो या फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का, फिर किसी भी सब्जेक्ट का आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाइए, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने का नियम ये रहता है, आपका यूनिट सेम होना चाहिए। आपका जो यूनिट है, यूनिट जो मात्रक है, वो आपका सेम रहना चाहिए, तब आपका जो क्वेश्चन है वो बनेगा, नहीं तो फिर वो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग जातियाँ होगी। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक टिप्स ये है कि आप छोटा यूनिट में रखिए क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन इजीली बनेगा। तो देखिए छोटा यूनिट, देखिए ग्राम और किलोग्राम में छोटा यूनिट है ग्राम, तो देखिए 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम, ठीक है। ग्राम को, ठीक है, 1 ग्राम होता है, तो हम इसी पे बनाएंगे इस क्वेश्चन को। तो आइए देखते हैं, अठारह ग्राम 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट है, हम दोनों को रखें ग्राम में, तो 18 ग्राम तो है ही, 18 ग्राम जो है वो 7.2 किलोग्राम का कितना परसेंट। देखिए किलोग्राम को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1000 से गुना करिएगा तो ये बन जाएगा ग्राम। किलोग्राम को 1000 से गुना कीजिएगा तो वो बन जाएगा ग्राम। तो ये है किलोग्राम, इसको आप 1000 से गुना कर दीजिए, ये बन गया ग्राम। तो अब 7.2 किलोग्राम मत नहीं, अब 7.7200 ग्राम का एक्स प्रतिशत है। यानी कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि 18 ग्राम जो है वो 7.2 किलो का एक्स परसेंट है। तो अब इसको बना दीजिए, यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट को हटा दीजिए, बट्टा में 10 डाल दीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ पे देखिए 2 जीरो और यहाँ पे 1 जीरो, 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म। अब देखिए 18 एकम 18 और 18 चौका 72, तो x बराबर 1/4। इसको पॉइंट में निकाल लेते हो 0.25, ठीक है, आप समझ गए। तो यानी आपको यूनिट सेम करना और कुछ नहीं करना। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोला है, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो पहले तो आपको जानना पड़ेगा क्विंटल और किलोग्राम क्या होता है। तो क्विंटल, तो 1 क्विंटल, तो 1 क्विंटल में होता है 100 kg। तो यहाँ पे देखिए किलोग्राम छोटा यूनिट है, तो अब देखिए तो बनाए क्या क्वेश्चन को, 2 क्विंटल को बदलें किलोग्राम में, तो इसको 100 से गुना कर देंगे। क्विंटल को किलोग्राम बदलने के लिए 100 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 क्विंटल यानी कि 200 किलो, 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, ये जो है ये 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट, 2.5 का एक्स प्रतिशत है, ठीक है। 2 क्विंटल जो है वो 2.5 किलो का एक्स प्रतिशत है। यहाँ से आप निकालिए, सबसे पहले इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए बट्टा में 10 डाल दीजिए। अब इसको बनाइए, तो 25 एकम 25 25 चौका 100, अब कोई भी नहीं कटेगा आपस में, तो क्या करते हैं, तो एक्स बराबर 200, तो इधर होगा 200 और ये 10 और 4 इधर बट्टा में, इधर जाए गुना होगा, गुना 10 और गुना 4, यानी कि 4 × 8000 प्रतिशत आपका होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट 12 सेकंड 1 घंटे का कितना प्रतिशत। यहाँ पे देखिए आपको 3 यूनिट दे रहा है, तीनों यूनिट आपका समय का, 1 मिनट है, 1 सेकंड है, 1 घंटा है, तो सबसे छोटा यूनिट जो है उसको आप रखेंगे। देखिए 1 मिनट 12 सेकंड को आप सेकंड में बदल लीजिए। देखिए तो यहाँ पे इसका बेसिक थ्योरी है, 1
मिनट, एक मिनट बराबर 60 सेकंड का होता है एक मिनट, ठीक है। और एक घंटा जो है वो होता है 60 मिनट का, 60 मिनट होता है एक घंटा। और एक घंटा को हम अगर समय में सेकंड में बदलें तो इस 60 को 60 से गुना करें जो कि होगा 3600 सेकंड। इस बात को आप याद रखिए हमेशा, एक मिनट में 60 सेकंड और एक घंटा में 60 मिनट और एक घंटा में 60 गुणे 60 यानी 3600 सेकंड होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को तो हम तीनों को क्या करते हैं सेकंड में। देखिए एक मिनट 12 सेकंड है ना, तो इसको बदलिए अब सेकंड में, एक मिनट मतलब कि 60 सेकंड अब प्लस 12 सेकंड यानी कि हो गया आपका 72 सेकंड। और इस एक घंटे का मतलब क्या हुआ 3600, सॉरी एक घंटे को आप बदलिएगा सेकंड में तो क्या होगा 60 गुणे 60 से आपको गुना करना पड़ेगा जो कि आपका आएगा 3600 सेकंड के बराबर, ठीक है। तो हम लोग इसी पर बनाएंगे, एक मिनट 12 सेकंड यानी कि 72 सेकंड जो है वो एक घंटे कितना पड़ेगा, 72 सेकंड जो है वो एक घंटे यानी कि 3600 का एक्स प्रतिशत है। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, दो जो कट गया, 36 से कम 36 और 36 दुना 72 तो x बराबर 2 बोले तो 2% आपका आंसर। यहाँ पर देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट होगा, एक दिन मतलब 24 घंटा, एक दिन में 24 घंटा होगा, ठीक है। और एक घंटा 4 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट मतलब 4 घंटा और प्लस आधा घंटा, 4 घंटा 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब 30 बट्टा 60 कर लेंगे तो यह कितना 4 प्लस 1 बट्टा 2 यानी कि 9 बट्टा 2 घंटा। यहाँ पे देखिए एक दिन को हम बदल लिए घंटा में तो आ गया 24 घंटा, और 4 घंटा 30 मिनट को हम बदल लिए घंटा में तो क्या आएगा 4 घंटा, 4 तो है ही और प्लस 30 मिनट को आप आधा घंटा बोलते हैं ना, 30 मिनट को आधा घंटा तो वही किए हैं, 30 मिनट मतलब 30 बट्टा 60 जिसको कटाएंगे तो 1 बट्टा 2 यानी आधा घंटा, 4 प्लस आधा यानी कि 9 बट्टा 2 यानी कि आपका हो गया 9 बट्टा 2 घंटा, या फिर 4.5 4.5 भी लिख सकते हैं लेकिन आप 9 बट्टा 2 लिखें बेहतर है। चलिए अब आपके पास मिल गई 24 घंटा और यहाँ पर 9 बट्टा 2 घंटा, तो यानी एक दिन का कितना प्रतिशत, एक दिन मतलब 24 घंटा, 24 घंटे का कितना प्रतिशत, 24 घंटे का x प्रतिशत होगा कितना के बराबर, 4 घंटा 30 मिनट मतलब 9 बट्टा 2 घंटे के बराबर। इसको बस आपको सॉल्व करना है, तो इसको अगर कटाना चाहे तो 4 छः 24, 4 से 25 चौका 100, ये कटेगा आपस में 3 से, 3 दुना 6 और 3 दिया 9, अब ये नहीं कटेगा तो क्या करते हैं, तो x बराबर 3 बट्टा 2 इधर है, 3 बट्टा 2 और गुना ये 25 नीचे में उधर जाएगा तो ऊपर में गुना में अब बट्टा, ये दो गुना में तीसरा रहेगा तो बट्टा में 25 या 75 बट्टा 4 प्रतिशत, इसको बदले पॉइंट में तो 18 पूर्णांक 3 बट्टा 4 आएगा पूर्णांक में आंसर, वैसे अगर बदले जाए पॉइंट में तो क्या आएगा 18.75, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी जो यूनिट जो अलग टाइप का मात्रक देता है उस टाइप के सभी क्वेश्चन को आप बना पाइएगा। क्वेश्चन में क्या कहता है 2.5 लाख 20 लाख का कितना प्रतिशत है, तो दो यहाँ पर देखिए यूनिट दोनों बिल्कुल सेम है तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख, 2.5 लाख जो है वो 20 लाख का एक्स परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले क्या करते हैं इस पॉइंट को हटा करके बट्टा में डाल देते हैं 10 और इस एक जीरो से इस एक जीरो कटा देते हैं, इस जीरो से इस जीरो कटा दिए, अब कट गया अब कोई नहीं कटेगा तो x बराबर 25 बट्टा 2, पूर्णांक में बदले तो 12 पूर्णांक 1 बट्टा 2, दशमलव में बदले तो 12.5, ये होगा आपका आंसर। अगला जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल भाषा पे आधारित है, 3/4 का कितना प्रतिशत 7/8 होगा, आप भिन्न संख्या फ्रैक्शन या फिर बट्टा वाला संख्या देकर घबराइएगा नहीं, बस जैसा कहता है वैसा लिख दीजिए। तो 3/4 का मतलब गुना कितना प्रतिशत, x प्रतिशत जो है वो 7/8 के बराबर है, कटाने के लिए 4 एकम 4, 4 दुना 8, नीचे को नीचे कटा सकते हैं, 2 एकम 2, 50 पर में कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगी 7, 50 हो गया उधर गुना में
और ये तीन हो गया इधर बट्टा में, तो अब इसको क्या 7:35 350 बट्टा 3, इसको पता नहीं ये बट्टा में होगा आंसर। अगर ये पूर्णांक में दे तो क्या करते, 3 एकम 3, 3 6 18 बट 2/3। अगर ये दशमलव में दे तो 116.67 होगा आपका आंसर। आंसर आपको किसी भी रूप में पूछ सकता है, तीनों में से जिस भी रूप में आपको आंसर पूछे वो आप टिक कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो है कुछ इस तरह से, 4/7 किसका 24% है, तो हम मान लेते हैं 4/7 जो है वो x का 24% है, तो 4/7 बराबर x का 24%, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 6 24, ये 2 से कटेगा 2 3 6 ये 50 बार में, तो आपका आंसर x बराबर 1/7 इधर तो है ही पहले से, ये 50 इधर आया तो हो गया गुना में, और 3 आ गया इधर तो हो गया बट्टा में 3। इसको बनाइए 50/21, इसको अगर बदले 21 × 42 और 8/21 या फिर 21 × 42 80, 21 × 63 2.3। देखिए इस क्वेश्चन से हो रही है आपकी भाषा की शुरुआत, वो है यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है, यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है, यहाँ से हो रही मैथमेटिक्स में भाषा की शुरुआत। और इस क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक जगह पे इसका यूज होने वाला है। पहले यहाँ पे पहले लाइन में यहाँ पे देखिए क्या कहता है, x है और y है, क्या बोल रहा है कि x y का 90% है, x जो है वो y का 90% यानी कि x का तुलना y से हो रहा है, मेरा तुलना आपसे हो रहा है, यहाँ पे सेंटर में कौन आ रहा है, आप आ रहे हैं, आपके पास जो रिजल्ट है वो आएगा मेरे पास, यानी मेरा जो तुलना है वो आपसे हो रहा है, आपकी वजह से हम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट में कौन है, आप हैं। तो देखिए x y का यानी x का जो अस्तित्व है वो y की वजह से, x y का यानी कि y की तरफ आप एरो दीजिए, तीर का जो निशान है वो y की तरफ कीजिए, x y का 90% है, तो यानी कि x का जो वैल्यू आएगा वो y से आएगा और y के पास जो रहेगा उसी के कंपेयर में x के पास जो कुछ भी है वो आएगा। तो मान लेते हैं x y का 90% है, तो हम मान लेते हैं y के पास वैल्यू 100 यानी 100 रुपया है। तो इस तरह से देखिए x जो है y का 90% है, तो 100 का 90% कितना होगा, वो होगा वाई है। तो 100 का 90% जो है यानी कि x जो y का 90% है, x जो है y का 90% यानी कि 100 का 90% x है, ठीक है। तो इसको कटे तो इसका वैल्यू आएगा 90, तो यहाँ पे हम सिंपली 90 लिखते हैं। तो अब आप देखिए x y का 90% हो गया, तो अब देखिए अगले ही पल क्या कहता है, तो y x का कितना परसेंट है, यहाँ पे देखिए इस पे देखिए उस पे देखिए, यहाँ पे x पहले लिखा है वहाँ पर y पहले लिखा है, क्या बोल रहा है, x y का 90% है हम आपसे, इस तरह से बोल रहा है, लेकिन फिर अगले पल वो क्या बोल रहा है, y x का कितना परसेंट यानी आप हमसे, यानी कि अब रिजल्ट पे केंद्र में हम आ गए, तो क्या बोल रहा है, x y का 90% है, तो x का वैल्यू 90, y का वैल्यू 100, तो अब क्या बोल रहा है, y x का कितना परसेंट है यानी कि 100 90 का कितना परसेंट है, तो 90 का के फोर कितना प्रतिशत, 100 है, ये बना आपका फाइनल इक्वेशन। यही तरह से आपको सभी क्वेश्चन को बनाना है, बिल्कुल 90 का कितना प्रतिशत बराबर 100, यहाँ से कट गया यानी 1000/9, 111 पूर्णांक 1/9 इसका होगा आंसर, कि एक्स वाई का 90% है तो वाई जो है एक्स का 111 पूर्णांक 1/9% होगा, बिल्कुल। तो इस जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया इसको रिपीट करके देखिए और इस तरह के लैंग्वेज पे आप पूरा पकड़ बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, यदि x y का 40% है
तो y x का कितना परसेंट है? बिल्कुल सिंपल सी बात है, x का तुलना हो रहा है y के साथ, तो y को मान लेते हैं 100, तो x हो जाएगा कितना, 90। अब क्या बोला y, सॉरी x का बोला 40 परसेंट है ना, तो 40 हो जाएगा। तो अब क्या बोला कि 100 जो है वो 40 का कितना परसेंट है, तो 40 का कितना प्रतिशत बराबर 100, ठीक है। इसको निकाले 20 दुना 40, 20 पंचे 100, तो 500 बट्टा 2 से कट जाएगा तो जाएगा 50, तो k बराबर 5 पंचे 25, यानी कि 250 प्रतिशत होगा, ठीक है। x y का 40 परसेंट है, तो y जो है x का 250 परसेंट होगा। ये क्वेश्चन से आप बिल्कुल समझ गए होगे इस तरह क्वेश्चन को किस तरह से हम लोग बनाते हैं। यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x अनुपात y का मान क्या होगा? वैसे हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज चैप्टर, लेकिन आपको यहाँ पे अनुपात के रूप में एक छोटी सी बात जान लीजिए। यदि x अनुपात y लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, x बट्टा y। अनुपात का मतलब होता है भाग देना, इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन जब हम चलेंगे अनुपात समानुपात चैप्टर में, तो ये चैप्टर पूरा हो जाएगा क्लियर। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है। एक्चुअली क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि x का 10% बराबर है y के 20% के, तो x का 10%, x का 10% बराबर है y के 20% के, यानी y के 20% के बराबर है। x का जो 10% है वो y के 20% के बराबर है। यहाँ से आप लोग x और y का वैल्यू निकाल लीजिए, इससे ये कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि x बट्टा y बराबर क्या निकल गया, 2/1। आपको आंसर किसका निकालना है, x अनुपात y, तो इसी को आप x अनुपात y में लिखिएगा, तो 2/1 आप तो लिख ही सकते हैं, ठीक है। यानी x अनुपात y का मतलब x बट्टा y का वैल्यू आपको निकालना है, तो 2/1 यानी 2/1 निकल गई। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि a का 8% बराबर b का 4% हो, तो a का 10% बराबर क्या होगा? आपको ऑप्शन है b का 10%, b का 16%, b का 80% नॉट। तो आपको मैंने यहाँ पे इस क्वेश्चन में ऑप्शन इसलिए लिखा कि ये जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन पे जाकर के ख़त्म हो, यानी कि आपको जो आंसर देना है वो ऑप्शन के अनुसार देना है। यानी कि आपका आंसर क्या, 10% बराबर होगा b के कंपेयर में। तो देखते हैं किस तरह से बनता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम निकालते हैं कुछ इस तरह से, a का 8% बराबर b का 4% के ये बराबर है। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालते हैं, 4 × 4 = 8। देखिए a बट्टा b बराबर 1/2। यदि कहीं पर ऐसा लिखा रहे तो इसका मतलब होता है a का वैल्यू 1 है और b का वैल्यू 2 है, यानी कि a बराबर 1 और b बराबर 2 आप लिख सकते हैं बिल्कुल। तो अब अगले पल क्या कहता है, हो तो a का 10% बराबर होगा, तो अब क्या बोल रहा है, a का 10% यानी कि a का 10% बराबर b का कितना परसेंट है। a का वैल्यू अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेगा, 1 का 10% बराबर b मतलब 2 का कितना प्रतिशत, ठीक है। यहाँ से आप लोग वैल्यू निकालिए, इससे ये कट गया और इससे ये कट गया, 2 × 5 = 10। तो b का कितना परसेंट, b का तो k बराबर 5%। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या था, a का 8% b का 4% के बराबर है, वो तो a का 10% बराबर होगा b के कितना परसेंट के, तो b के 5% के बराबर होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम ट्रिक खोजते हैं, क्वेश्चन को बिल्कुल क्वेश्चन में ही इसका आंसर निकाल देते हैं। देखिए a का 8% b के 4% के बराबर है, तो 8 और 4 में क्या संबंध है, 8 का आधा 4 होगा, तो क्या पूछ रहा है, a का 10% b के कितना परसेंट बराबर है, तो यहाँ पे आधा हो रहा, तो यहाँ पे भी आधा होगा, 10 का आधा 5 होगा आपका आंसर। तो आप बिना कुछ बनाए भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इसी तरह का मैंने बहुत सारा तरीका आपको बताऊंगा जब आपका चैप्टर खत्म होगा तो, लेकिन आपका स्टार्टिंग है तो फिलहाल आप कैलकुलेशन करके अपना कैलकुलेटर को मजबूत बनाइए, इसलिए मैं आपको एक एक चीज़ को पूरा डिटेल। देखिए आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यदि a का 90% बराबर b का 30%, a का 90% बराबर b का 30% तथा b बराबर a का x परसेंट, तो x का मान बताइए। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते देखते क्या होता है, a का 90% बराबर b का
30%। यहाँ से हम लोग ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 1 बार में, यानी कि ए बट्टा बी बराबर 1/3। यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1 आया, बी का वैल्यू 3 आया, यानी कि ए का वैल्यू 1 है, ए बराबर 1 हो गया और बी बराबर 3 हो गया। तो अब देखिए अब क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे, बी बराबर यानी कि बी बराबर ए का एक्स परसेंट का वैल्यू आपको पूछ रहे हैं। यहाँ पे देखिए बी और ए का वैल्यू इसमें से लेकर के डाल दीजिए, तो बी का वैल्यू 3 है ना, तो यहाँ पे लिखिए 3 और ए का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे लिखिए 1। तो यहाँ से देखिए एक्स बराबर 100 × 3 यानी कि 300, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कुछ इस तरह से है, यदि y का x परसेंट 100 हो तथा z का y परसेंट 200 हो तो x और z में संबंध बताएं। y का x परसेंट 100 यानी कि y का x परसेंट बराबर 100, दूसरा समीकरण क्या कहता है, z का y प्रतिशत बराबर 200 हो तो आपको x और z के बीच संबंध निकालना। देखिए यहाँ पे यदि y का x परसेंट 100 हो तथा z का y परसेंट 200 हो तो x और z में संबंध बताएं। अब देखिए इस तरह का अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है, x और z में संबंध कैसे निकलेगा। तो देखिए हमको x और z का कनेक्शन कहाँ से मिलेगा, y से। देखिए इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो हम लोग क्या करते हैं इस y को इधर रखते हैं, y बराबर निकालते हैं, y का वैल्यू इसमें निकालते हैं, y का वैल्यू इसमें निकालते हैं, फिर दोनों को हम बराबर में जोड़ लेंगे। तो देखिए इसका वैल्यू क्या आएगा, 10,000/x। इस y का वैल्यू क्या निकलेगा, 20,000/z। तो अब देखिए इस y का वैल्यू इतना है और इस y का वैल्यू इतना है, y बराबर इतना और y बराबर इतना, तो ये दोनों भी आपस में हो जाएगी बराबर। ये नियम है समीकरण का, 20,000/z, इससे ये कट गया 4,0, 4,0, तो z बराबर 2x। ये हो गया आपका आंसर। यही पूछ रहा है कि x और z में क्या संबंध है, तो x और z जो है z बराबर 2x होगी। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता है, पहले क्वेश्चन को समझिए। यदि a का 20% बराबर b हो, यदि a का 20% बराबर b हो और b का 40% बराबर c हो, दो इक्वेशन दिया a का 20% बराबर b और b का 40% बराबर c, तो a प्लस बी का 60% c का कितना प्रतिशत के बराबर है। देखिए कैसे निकालते हैं, यहाँ पे देखिए 3 है, a है, चलिए a है, b है और c है, 3 व्यक्ति। क्या कहता है, a का 20% बराबर b, a का जो 20% है वो b के बराबर है, a का 20% b के बराबर, यानी कि b अपना रिजल्ट के लिए a के a पे डिपेंडेंट है, b का 40% c है, b का 40% c है, तो c अपना रिजल्ट के लिए b पे डिपेंडेंट है। अगर हम मानते हैं a का वैल्यू 100 है तो b का वैल्यू क्या होगा, यानी 100 का 20% b है, तो 100 का 20% क्या होगा, तो 20 हो जाएगा, b का वैल्यू 20। और c जो है b का 40% है, यानी कि 20 का 40% आप निकालिएगा तो कितना है, 4×2=8, तो c का वैल्यू 8। अब आपको तीनों का वैल्यू पता चल चुका है, a का वैल्यू 100 हम माने थे, b का वैल्यू निकल गया 20, क्योंकि b जो है a का 20% है, a का 20% बराबर b, तो 100 का 20% आप निकालिएगा तो ये तो b के बराबर ही होगा, 20 के बराबर होगा, तो a का वैल्यू 100, b का वैल्यू 200 और c का वैल्यू 8 है। अब आगे देखिए क्या कहता क्वेश्चन में, ए प्लस बी का 60%, ए प्लस बी मतलब क्या, 100 प्लस 20 का 60% का 60% बराबर सी का कितना परसेंट, सी का वैल्यू 8 है, 8 का कितना प्रतिशत, ये बना आपका इक्वेशन। इसको बस आप सॉल्व कर लीजिए, ये भी गुना में कट जाएगी, 4×4=8, 4 से कटेगा तो ये आएगा 15, ये आएगा 120, 120×15 बराबर 2k, दो से कटेगा तो ये क्या है ना 60, 15×6=90 यानी कि 900 बराबर के, तो के बराबर 900% आपका होगा आंसर। समझ में आई क्या, सबसे पहले क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू लिखना है, फिर जैसा बोलता है क्वेश्चन वैसे कर लेना है, बिल्कुल आ जाएगी समझ में। क्वेश्चन में क्या कहता है, अगर ए का एक्स परसेंट
बी के वाई परसेंट के बराबर है तो बी का जेड परसेंट बताइए। आपका ऑप्शन कुछ इस तरह से रहा। इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख करके बनाएंगे कि ऑप्शन हमको किस तरह से दे रहा है, उस तरह से इसको हम मिलाना है, मैचिंग करना है। तो क्या करना है, ए का एक्स परसेंट सबसे पहले लिखते हैं, ए का एक्स परसेंट बराबर बी के वाई परसेंट, तो बी का वाई परसेंट के बराबर ये हो गया, ठीक है। ए एक्स बराबर बी वाई, ओके, एक सौ से हम कटा देते हैं। ए एक्स बराबर आपका यहाँ पे बी वाई हो रहा है। तो B का Z परसेंट आपको क्या बोलना है, आपको बताना है B का Z प्रतिशत बताइए। B का Z प्रतिशत क्या होगा, B का Z प्रतिशत क्या होगा, यहाँ पे देखिए परसेंट ये क्या होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, B का जो Z परसेंट वो एक्स वाई के फॉर्म में आना चाहिए। तो B का Z परसेंट जो है वो A के फॉर्म में आना चाहिए। देखिए ऑप्शन क्या है, A है ना, तो यहाँ पे B की जगह पे A आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं B बराबर क्या होगा, यहाँ पे B का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम लिखेंगे B बराबर ए एक्स बट्टा वाई। तो सिंपली क्या करते हैं, इस B का वैल्यू ये आ गया, इसको यहाँ से उठा करके इसमें डाल देते हैं, क्या होगा, B की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स बट्टा वाई गुना जेड बट्टा हंड्रेड। अब आप ऑप्शन के अनुसार सजा लीजिए, ऑप्शन के अनुसार सजा लीजिए। क्या कहता है, ए है यहाँ पे गुना के रूप में, तो क्या लिखेगा, ए का एक्स जेड कर लीजिए, एक्स जेड बट्टा में वाई है तो इसके बट्टा में वाई लिख लीजिए, और हंड्रेड है तो देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था परसेंट बराबर वन बट्टा हंड्रेड। तो इस वन बट्टा हंड्रेड यहाँ पर जब आ रहा है वन बट्टा हंड्रेड, इसको आप परसेंट के सिम्बॉल के रूप में कन्वर्ट कर लीजिए, तो बराबर परसेंट का सिम्बॉल, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, बिल्कुल सिंपल सा था। हमको इस क्वेश्चन से क्या सीख मिलती है कि क्वेश्चन को ऑप्शन के अनुसार भी बनाया जाता है, ऑप्शन जिस तरह से हमको पूछेगा उस तरह से हम लोग बनाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि y का x परसेंट बराबर 80 का 4 बटा 5 हो तब x डॉट y का मान क्या होगा। तो हम लोग सिंपली जैसा करता है वैसे लिख देते हैं, वाई का एक्स प्रतिशत बराबर 80 गुना 4 बटा 5। बस इसका सॉल्व करके हमको क्या पूछ रहा है, x डॉट y यानी कि x गुना y का वैल्यू एक साथ में पूछ रहा है कि इसका मतलब क्या होगा। तो x y तो यहीं पे आ जाएगा, इसको हम लोग एक्स वाई बट्टा हंड्रेड लिख लेते हैं, और वैसे इसको यहीं पे हम कटा भी सकते हैं, तो कटा दीजिए। देखिए ये कटेगा तो क्या आएगा, 5 से 16 पचे 80, तो एक्स वाई बराबर 16 चौका 64, ये एक से इधर के गुना होगा बराबर 64, सो आपका आंसर। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, यदि x माइनस वाई का 50% बराबर x प्लस वाई का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y होगा। तो यानी x का कितना प्रतिशत y होगा ये आपको पूछ रहा है, मतलब कि x और y का पार्टिकुलर आपको वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं समीकरण में, x माइनस वाई का 50% गुने 50 बट्टा 100 बराबर x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% इतना हो गया। तो यहाँ से 100 से 100 कटा सकते हैं, 0 से 0 कटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए x माइनस वाई बट्टा x प्लस वाई बराबर 3/5 यहाँ पे दिया रहे। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इस पूरा का वैल्यू 3 है, इसका वैल्यू 5 है, यानी कि देख लीजिए x माइनस वाई बराबर 3 और x प्लस वाई बराबर 5। इससे आप निकाल सकते हैं ये दोनों समीकरण सॉल्व करके एक्स वाई का वैल्यू, तो 2x बराबर 8, तो x बराबर 4, x का वैल्यू इसमें डालिएगा तो y बराबर 7, y का वैल्यू कितना निकलेगा, y का वैल्यू x बराबर y वैल्यू 1 निकलेगा, इस 4 का वैल्यू इसमें डालिएगा तो y का वैल्यू 1 आपका निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, x का कितना प्रतिशत y है, x का कितना प्रतिशत y है ये आपको पूछ रहा है। देखिए x का कितना परसेंट y है, x मतलब 4 का कितना प्रतिशत, 4 का कितना प्रतिशत y मतलब 1 है, ठीक है, 4 से 25 चौका 100, तो k बराबर 25 यानी कि 25% जो है वो 1 है। आई बात समझ में, सबसे पहले बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार चलते हैं, x y का वैल्यू अलग अलग निकालते हैं, फिर इसको दो समीकरण बदल सकते हैं, x y का वैल्यू पार्टिकुलर निकाल करके क्वेश्चन के अनुसार इसमें डाल दिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है,
यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए तो वह 102% हो जाती है, x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को हम आपको दो तरीके से बना के बताते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से आ जाएगी समझ में। यदि x में 6 बढ़ा दिया जाए, कोई x है उसमें 6 बढ़ा दिया मतलब किस में 6 जोड़ दिया, तो वह 102% हो जाती है। यानी ये जो है वह अपने आप का 102% हो जाता। मतलब क्या हुआ, आपको हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन बताए थे, कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%। तो देखिए तो x भी तो अपने आप में 100% है, वो 102% हो जाती है। कौन हो जाती है, वही x हो जाती है 102%। पहले थी ये 100%, 2% इसमें वृद्धि हो गई, 2% हो जाते हैं। यानी x में जब 6 बढ़ा दिए तो x का 102% हो जाते हैं। यहाँ से आप लोग x का वैल्यू निकाल देंगे, 50 यहाँ पाएगा 51। तो देखिए x इसको इधर माइनस 51 एक्स बट्टा 50 बराबर माइनस 6, तो 50x माइनस 51x बट्टा 50 बराबर माइनस 6, माइनस एक्स बट्टा 50 बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, x बराबर 50 को 6 यानी कि 56 यानी कि 6 पंच 30 यानी कि 300 होगा। 6 बढ़ा दिए तो वो 102% हो गई, 300। चलिए अब आपको ये बन गया क्वेश्चन। अब देखिए इसी को हम दूसरे तरीका से बनाते हैं, कैसे। यदि x में 6 बढ़ा दिया, इसमें वृद्धि कितना हो रही है 6 की, और एक कोई भी हो कुछ भी हो अपने आप में होती है 100%, और परसेंटाइल वृद्धि कितना हो रहा है 2%। ये रहा नंबर लाइन, पहले ये x था यानी कि 100% था, जब इसमें 6 बढ़ा दिए तो ये हो गया कितना 2% एक्स्ट्रा हो गई। यानी कि किसी संख्या की x का 2% ही है वो 6 के बराबर है, ठीक है। किसी संख्या में जब 6 बढ़ा देते हैं वो 2% बढ़ जाती है, मतलब 6 जो है वो 2% के बराबर है। यहाँ से आप लोग x का वैल्यू सिंपली निकाल सकते हैं 3 बार में, तो x बराबर 300 निकल गया। आपको जैसे बनाना हो वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन दोनों तरीका जानना बिल्कुल ज़रूरी है। देखिए इस क्वेश्चन क्या आप करते हैं, किस तरह से बनाते हैं। यदि a के 5% का मान 10 है तो a का मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, a का 5% बराबर 10, तो 5 एक 5, 5 दो 10, a बराबर 200। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि y के 5% का मान 36 है तो y का मान क्या होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन में, y प्रतिशत का मान जो है वो 36 के बराबर। ये आपका इक्वेशन बना, तो क्या बनेगा, वाई स्क्वायर बराबर 3600। हमने आपको स्टार्टिंग बताया था, अगर कोई स्क्वायर में है जब बराबर के उस पार जाएगी तो क्या बना देगी, रूट बना देगी किसी संख्या को, वो एक दूसरे में मतलब कि रूट हो जाएगी, ठीक है। मतलब अगर ये स्क्वायर है, अगर इस पार आएगी तो वो क्या रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वाई स्क्वायर में है तो वाई को रखते इधर, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये होगा रूट 3600। 3600 का आपको वर्गमूल निकालना, जो कितना होगा 6 × 6 × 10 × 10। वर्गमूल इस तरह से निकालते हैं, दो में से एक लेना है, 6 × 10 = 60। यानी कि आपका हो गया आंसर कितना 60। वाई का वैल्यू कितना होगा 60। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि x के 16% का मान 48 के 12% के बराबर है तो x का मान बताइए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या कहता है, x का 16% का मान जो है वो 48 के 12% के बराबर है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप x का मान निकाल दीजिए, 100 से तो 100 कट जाएगा, 16 × 16 और 16 × 48 = 36, तो x बराबर 36, ठीक है।